भारतीय किसान यूनियन क्रांति दल ने गांव वालों की परेशानी और बिजली विभाग की मनमानी करने पर एक धरना प्रदर्शन किया। ऊर्जा निगम द्वारा लगातार किसान और आम जनता के शोषण से किसान नेता बेहद नाराज दिखे। इस दौरान भारतीय किसान मजदूर यूनियन क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिश्ती आलम ने आरोप लगाया कि ऊर्जा निगम के अधिकारियों की मनमानी के चलते आज किसान बहुत परेशान है। आलम यह है कि मंगलोर में ऊर्जा निगम की तानाशाही के चलते अधिकारी बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं करते। इतना ही नहीं, बिजली के घरेलू कनेक्शन पर भी सुविधा शुल्क लिया जाता है। बिजली चोरी के नाम पर किसानों का लगातार शोषण हो रहा है। हाई टेंशन लाइन का कई गाँव में खतरा बना हुआ है। TDS कंपनी बिजली के बिलों में बड़े पैमाने पर घोटाले कर रही है, जिसकी जांच होना बेहद ज़रूरी है। किसानों से मोटी रकम के बिल वसूले जा रहे हैं, इसका भार आम आदमी और किसानों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मलाड क्षेत्र में बिजली के भार के हिसाब से ट्रांसफार्मर नहीं मिला, जिससे लोगों को वोल्टेज की समस्या आ रही है। अगर जल्द ही ऊर्जा निगम के अधिकारियों द्वारा अपनी मांगों पर ध्यान ना दिया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान किसानों ने ऊर्जा निगम लंढोरा SDO को ज्ञापन भी सौंपा। इसमें मंगलोर के मुंडलाना गांव में हाई टेंशन लाइन से लोगों को खतरा बताया गया है। वहीं गांव के बिलों में बढ़ोतरी और हाई टेंशन की चपेट में आने से कई बड़े हादसे होने का खतरा बना हुआ है। किसान है, ये मजदूर ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, किस चीज को लेके दिया गया? ये किसानों की काफी समय से कुछ समस्याएं इन्होंने रखी हुई थी कि विद्युत बिलों से संबंधित, लाइन से संबंधित जो उनकी इनकी समस्याएं थी, तो उसमें से कुछ का निराकरण किया भी गया और कुछ जो मेन समस्या इनकी विद्युत बिलों को लेकर और मुंडलाना में घरों के ऊपर से लाइन जो जा रही है लेवल के उनको लेकर है। क्या इस पर अमल किया जाएगा? हाँ, हमने इनको बताया है जो भी शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियाएं हैं उससे हम कार्रवाई करके इसका पराकलन जो है जल्दी से नियमित करके शीघ्र स्वीकृति के लिए भेज देंगे। बाकी दो जो कार्य थे, पोल गिरने का खतरा था वो करा दिया गया, ट्रांसफार्मर बनने थे जो करंट लगने का खतरा बताया गया था उसको भी दुरुस्त करा लिया गया है, और विद्युत बिलों का भी हमने बताया है जो भी इनके में MRI बेस पे हो रहे हैं, अगर MRI नहीं हो पाती है, ख़राब बिल है, तो उनको भी उसको रिवाइज करके हम इनकी समस्या का समाधान कर देंगे। बाकी जो इनकी समस्या थी कि बिजली जो मिल नहीं रहे हैं, तो वो मैंने कहा है कि हम हर 6 महीने में निर्गत होते हैं, अगर नहीं मिल पाते तो शिकायत कर सकते हैं, उनको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेंगे जबकि वो ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। तो लिखित समस्या थी करीबन 5 थी मेन, और इसमें फिर 2 का निराकरण किया गया बड़ी समस्याओं का। बाकी जो अभी समस्या इन्होंने दी हुई है तो उसको मैं 2-3 दिन में जो यथासंभव कर देंगे। बाकी जो जिसमें टाइम टेकिंग है, जिसमें समय लगना है, तो उसका प्रोसीजर हम पूरा करते हैं। सर, बिजली विभाग की लंडरों के अगर बिजली कट जो है बीच में हो रहा था, फिलहाल काफ़ी समय से कटौती जो है नहीं की जा रही है कुछ समय से, और जहाँ तक ब्रेकडाउन या मानसून के चलते जो हो जाते हैं उसके चलते कट लगता है, तो वो एक अलग समस्या है। उसमें जो था, मैं आपको बताऊँ, कट नहीं था एक्चुअली, वहाँ समस्या आ रही थी काफ़ी सप्लाई की, वो पैनल में जो प्रॉब्लम आ रही थी हमने उसको समस्या के समाधान के लिए ही एक विज्ञप्ति भी निकाली थी, उसके अनुसार अखबार में भी दिया गया था ये बंद आ रहा शाम को 6 बजे तक ये काम हो जाना था, वो VC भी पैनल बदले गए थे। ये समस्या के निराकरण की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया था, समस्या पैदा करने के लिए नहीं था, लेकिन समस्या ये हुई कि काम चूंकि बड़ा था, 4-5 पैनल थे, तो उसकी टेस्टिंग का काम समय रहते नहीं हो पाया, वो उसके रात में 9 बजे थे, एकदम से लोड बढ़ने के कारण वो फ्यूज उठने की समस्या हुई थी, इस कारण वो आप लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल है, समस्या काफ़ी कम हुई है। गाधा रोना में ही हमने एक ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करके 100-250 किया है, और अभी मेरे ख्याल से मानसून में एक बार सप्लाई वहाँ गई है, अदरवाइज वहाँ सप्लाई रह गई। सर, आखिरी सवाल, किसान जो हमें ज्ञापन दिया गया था उसमें ये बात नहीं लिखी गई थी, अभी इन्होंने ऐसी बात की है तो हमने उनसे कहा लिखित रूप में दें, क्योंकि ये कर्मचारियों की नियुक्ति हटाना और ये मैनेजमेंट के डिसीजन है, हम आपकी समस्या का समाधान लेके अपनी रिपोर्ट सहित आगे भेज देंगे, और जो भी निर्णय निकलेगा वो सबके सामने होगा और उसमें कार्रवाई भी होगी मुझे पूरी उम्मीद। मेरा नाम MM मलिक है, मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ यहाँ भारतीय किसान मजदूर यूनियन में, और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा। तो आज हमारा जो धरना प्रदर्शन था, इसका मेन उद्देश्य ये था कि
ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं बिजली विभाग की तरफ से। बिजली विभाग लगातार तानाशाही रवैया अपनाता है, उसके चलते यहाँ धरना प्रदर्शन दिया गया है। तो इसमें मूलभूत जो समस्याएं थी वो पांच समस्याएं थी, उन पांच समस्याओं का निस्तारण करने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। पांच में से तीन का निस्तारण इन्होंने ज्ञापन देने से पहले ही कर दिया जब फोन पे वार्ता हुई थी हमारी। तीन समस्याएं हमारी अभी और बची हुई हैं, इसके अलावा और भी बहुत समस्याएं आज हमें नई समस्याएं आज मिली हैं, उनका भी निस्तारण हम लोग विधिवत रूप से करवाएंगे। और खासतौर से जो मेन समस्या आई है हमारे सामने, लंढोरा में एक जेई है कोई, उनका व्यवहार जनता के प्रति बहुत रूढ़ है, तो उस व्यवहार को ठीक करने का हम लोग सबसे बेहतर काम करेंगे। सबसे पहले व्यवहार ये हम लोग करेंगे कि उनका व्यवहार ठीक किया जाए। अगर उनका व्यवहार जनता के प्रति सही नहीं रहता है, उसके लिए हम लामबद्ध जो है हम धरना प्रदर्शन देंगे। अगर उच्च अधिकारियों से हमें मिलना पड़ा तो उसके लिए भी हम लोग मिलेंगे, और हमारा ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हमारी भारतीय किसान मजदूर क्रांति ने यहाँ पे धरना रखा था, उसमें हमारी पांच समस्याएं थी मुड़लाना गांव को लेकर के, उसमें हमारी दो समस्याओं का समाधान किया गया, बाकी तीन समस्याओं का आश्वासन दिया गया। और अगर हमारा ये काम नहीं होता है तीन समस्याओं का, तो हम इससे भी बड़ा यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, चाहे हमें एक दिन लगे और चाहे हमें धरना प्रदर्शन में एक साल लग जाए। समस्या एक ट्रांसफार्मर जमीन पे नीचे रखा, जिससे बरसात के कारण सभी गाँव वालों को मुड़लाने वालों को समस्या हो रही थी करंट आने के कारण। और एक 11,000 की लाइन ऊपर जा रही है, जिससे कि एक लेडीज मर चुकी है वहाँ पे, कोई डंगर भी मर चुके, तो ये समस्या थी हमारी। एक ट्रांसफार्मर का जोड़ा जो जमीन जी एक ट्रांसफार्मर का जोड़ा जो रखा हुआ था वो लटका हुआ था, गिरने के कागार पर था, वो भी इन्होंने ठीक किया है। और जेई को लेकर के हमारे सामने भी संज्ञान में आई है, तो इसे भी हम कुछ ना इस पर कार्रवाई करेंगे। किनकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया, किनका आश्वासन दिया गया? जी एक तो पांच में से दो का हो गया, अभी तीन बाकी है, उसमें से एक ट्रांसफार्मर कर दिया गया, और फिर जो ट्रांसफार्मर नीचे रखा गया था उसमें भी समाधान किया है। कब तक आश्वासन दिया गया? जल्द आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपका काम हो जाएगा, बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे।